हिमाचल में आपने गोवा का फील दिला दिया जी हमें। मैं नहा के आया हूँ। इतना मनमोहक दृश्य है जी यहाँ पे, आप पूरा दिन यहाँ पे बिता सकते हैं। भारत के हर कोने से यहाँ पे आते हैं जी लोग और अपनी फैमिली के साथ पूरा एंजॉय करते हैं। और यहाँ प्री वेडिंग के लिए बहुत शानदार लोकेशन है जी। देखिए पुराने टाइम्स का जी, इसका नाम है जी भाकड़ा नागल डैम। और ये डैम से ऊपर आप आएंगे तो ऐसा मनमोहक दृश्य मिलेगा आपको। आप पूरा दिन यहाँ पे बैठ के बिता सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं सर आप? आपका शुभ नाम? मेरा नाम भादर सिंह राणा है जी। राणा जी आप कब से यहाँ पे हैं और कितने सालों से है होटल सी रॉक? ये पिछले 9 साल से प्रॉपर्टी ओपन हुई है जी। 8 साल मेरे को यहाँ काम करते हो गए हैं जी। अच्छा जी, जी। तो ये 9 सालों से यहाँ पे जी, और जी। हमें पता ही नहीं था आज तक। तो ये बताएं रातों रात आपने इतनी तरक्की करी है, कैसे, क्या कारण है जी? ऐसे लोग इतने दीवाने हो रहे हैं, गोवा के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये लोकेशन, नेचुरल लोकेशन है, बहुत अच्छी लोकेशन है। यहाँ पे बोटिंग का है हमारा, स्टीमर्स ऐड किए हैं हमने, हाई स्पीड बोट। अच्छा। स्पीड बोट बाकी प्री वेडिंग शूट के हिसाब से मॉडिफाई किए। दो कारण बताएं जी जो आपने यहाँ पे क्या डाला, ऐसा कौन सा मंत्र डाला हिमाचल का? एक तो सबसे बड़ी बात जी हमारी फूड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है जी। हमारे पिछले 90% स्टाफ जो है ओपनिंग से स्टाफ है जी, पिछले 8-9 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा, बाकी प्री वेडिंग शूट के हिसाब से काफ़ी लोग हिमाचल से, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, काफ़ी दूर से आते हैं। मैं आप ये बताएं जी आपकी प्रॉपर लोकेशन कहाँ पे है आपका, ये जो होटल सी रॉक है कहाँ पे है? ये विलेज रायपुर मैदान सर, तहसील बंगाणा, डिस्ट्रिक्ट ऊना में लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश। पास में 22 किलोमीटर में नंगल है, चंडीगढ़ 3 घंटे का रन है चंडीगढ़ का सारा। तो सर ये भी बता दे रूम्स के क्या रेट हैं अगर किसी ने फैमिली ने आना हो यहाँ? रूम्स 1500 से स्टार्ट हो जाते हैं 3000 तक के जी। बाकी जो वेस्ट रूम फैमिली के हिसाब से है वो 2400-2800 इस रेंज के हैं। लेट फूड नहीं, मील एक्स्ट्रा, फूड इंक्लूड नहीं होगा, ओनली रूम रेंट, खाना पीना अलग से। एक बार प्लीज आप भी सर हमारा फूड ट्राई कीजिएगा, स्पीड बोट का आनंद लीजिएगा। हाँ नमस्कार प्रेम जी। नमस्कार, कैसे हैं जी आप? बढ़िया, कुशल मंगल। तो मैंने देखा है पहले यहाँ पे होटल सी रॉक वालों ने ये नहीं रखी थी बोट्स, अब ये स्पीड बोट्स आ गई है। कितनी सारी यहाँ पे बताएं, कितनी है जी और ये कहाँ से आई है? 5 बोट्स है सर, ये जो गोवा बॉम्बे बाहर जो बोटें चलती हैं सी में, बिल्कुल बोटें अभी यहाँ पे। वाह जी वाह, शानदार, ये तो बहुत बढ़िया जी। ये कब से, कितने टाइम से है जी यहाँ पे स्पीड बोट? 3 साल होने को जा रहे हैं सर। अच्छा जी, वाह जी, हमें तो आज पता चला और हमारी वीडियो के माध्यम से भी लोगों को पता चलेगा। और ये होटल सी रॉक ये अंडर आती है सारी? हाँ जी सर। अच्छा, तो मैंने देखा है फिशिंग भी होती है यहाँ पे? हाँ, फिशिंग भी होती है। तो लोग, मैंने कल देखा था शाम को जाल काफी लगा के बैठे थे यहाँ पे। हाँ जी। तो ये फिर उसको हमें खाने को मिलेगी फिश? जी सर, होटल में प्रोवाइड रहती है सर। होटल में भी और इधर उधर बाजार में भी मिलेगी? जो ये यहाँ की जो फिश है लोकल, मतलब कोई भी खरीद सकता है, कोई भी बना सकता है। जी शानदार, फिर तो हम आज शाम को जरूर टेस्ट करेंगे जी, एक बार ट्राई करें सर। हाँ बिल्कुल जी, वही जो सी में नज़ारे मिलते हैं वही हम यहाँ पे। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल जी, हमारे लिए यही सी है जी, बहुत शानदार। अच्छा चले सर एक बार करा दें आप। अच्छा, इससे पहले लाइफ जैकेट? ओह बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जरूरी है जी, शानदार। वाह जी वाह, मजा आ गया जी। हाँ स्मार्ट लग रहा हूँ जी जैकेट में सर। एक्चुअली क्या है, ये बहुत गहरी झील है। अच्छा, जो उसका वैसे लेवल है, डैम लेवल है 1670 फीट है। अच्छा जी, लेकिन यहाँ पे भी 100 फीट 150 200 साथ में दिखेगा। अच्छा जी, तो अभी ये पूरा जो ये इसका लेवल है, वाटर लेवल है जो जो पानी का स्तर है वो इतना ही रहता है कि इससे ऊपर भी जाता है? इससे ऊपर भी जाता है सर। अच्छा, जो ये व्हाइट व्हाइट दिखाई है। हाँ जी जी, जो पट्टी लगी हुई है। हाँ जी, पानी रहता है। अच्छा, यहाँ तक चले जाता है? ओह माय गॉड, बहुत बढ़िया जी। डीजल से चलती है? पेट्रोल से सर। पेट्रोल से? हाँ जी, 4 स्ट्रोक इंजन है जी ये। वाह जी वाह, और ये पेट्रोल से ही चलती है। प्रेम जी आप अच्छे कैप्टन है जी सर, विश्वास कर सकते हैं आप? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है जी। हाँ जी प्रेम जी, अब आपके हाथों में है मेरी बागडोर। वाह जी वाह, क्या स्पीड है जी, क्या स्पीड। हिमाचल में आपने गोवा का फील दिला दिया जी हमें। वाह जी वाह, शानदार, अल्टीमेट, वाओ, गुड, ओह माय गॉड, मैं नहा के आया हूँ प्रेम दादा, मैं नहा के आया हूँ, आपने मुझे दिला दिया। ओह नहीं सर नहीं, ये तो पूरा बिगा दिया आपने। प्रेम जी आप तो कैप्टन बड़े अच्छे हो यार, ये 180 डिग्री मोड़ दी आपने। तो प्रेम जी आप कितने सालों से चला रहे बोट? 20 से 25 साल। यही यही वाली स्पीड बोट? ओह वाह जी वाह, शानदार शानदार। ये देखिए आपको गोवा में ये चीज नहीं मिलेगी, सुंदर मनमोहक नजारे नहीं मिलेंगे आपको जी। ये जो आइलैंड है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है किसी और ही देश में आ गए। बहुत बढ़िया, देखिए लुक देखिए बाहर की, मजा आ गया जी, बहुत शानदार। और वो सामने है जी हमारा प्यारा होटल सी रॉक, जहाँ पे आपको सारी चीजें मुहैया होगी, यहाँ की बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी सारी चीजें। एक दिन क्या यहाँ पे, एक हफ्ता रह सकते हैं, इतना मनमोहक है जी। और छोटी सी पहाड़ी में बना हुआ है, हमें तो बहुत मजा आ रहा है जी, बहुत। और यहाँ पे लोकल आपको फिश खाने को मिलेगी यहीं की, बहुत बढ़िया। सर पहुँचा दे हमें अपनी मंजिल पे।
प्रेम जी हमें अपनी मंजिल पे छोड़ दीजिए। बहुत हाँ बिल्कुल जी, हमने आज शाम को यहाँ की लोकल फिश खानी है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए जी धन्यवाद, बहुत बहुत आपने बड़ा कीमती समय दिया हमें। और यहाँ का देखिए आइलैंड बहुत शानदार जी, मज़ा आ गया। और ये जो टर्न लेते हैं ना, ये वाला ये जो पूरा इन्होंने 180 डिग्री ये जो किया हुआ है, इसका अनुभव हमें पहली दफ़ा हुआ है। ये जो टर्न लेते हैं ये वाला 180 वाला, ये देखिए वाह वाह वाह, अल्टीमेट अल्टीमेट, बस जी बस, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, गलती होगी छोड़ दीजिए। शानदार, वाह जी वाह, मज़ा आ गया जी। प्रेम जी ये बता दें जी सर, ये बोट की कीमत क्या है? सर जैसे कि अलग अलग प्रकार की बोट है हमारे पास, इम्पोर्टेड बोट्स भी है, फॉरेन इम्पोर्ट भी है। अच्छा जी। और ये इंडिया की है, आईआरएस अप्रूव्ड है ये बोट। ओके। तो ये बोट की कॉस्ट रहेगी सर 15 से 20 लाख की। ओके। इस पे डिपेंडेड करता है सर जी, इसका जो इंजन है पीछे क्या पावर का है, कौन सी कंपनी का है और अच्छा। कितना पावर का है। बहुत बढ़िया जी। तो आपके पास आए कभी बाहर से लोग फॉरनर? जी सर जी जी, बहुत ज्यादा लोग आते हैं हमारे पास, बहुत लोग आते हैं और बहुत खुश होते हैं ये नज़ारा देख के। बिल्कुल जी, बहुत साफ सुथरी झील है सर, आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, पानी बहुत शांत है, हिमाचल के लोग सीधे साधे भोले भाले आप जैसे। थैंक यू। तो अगर हमें फिश खानी हो यहाँ की लोकल फिश, यहीं की इसी नदी की जी, नदी बोलेंगे हाँ जी नदी, तो ये हम कहाँ पे खाने को मिलेगी जी? सर आप यहाँ से, एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं यहाँ नज़दीक ही हैं और इस एरिया के सबसे बढ़िया जो है मछली वो आपको तैयार करके देंगे। किस नाम से जी? ये सागर नाम है जी, सागर फिश शॉप। अच्छा है जी, बीडू में है जी। बहुत बढ़िया जी, हाँ जी जरूर जाएंगे। आज शाम को मिलेगा क्या? अभी भी मिल जाएगा। आप जाइए सर 10-11 बजे वो रेडी रहते हैं, 10-10:30 बजे से उनकी। ठीक है, नहीं आज थोड़ा बिजी शेड्यूल है तो हम शाम को ही जाएंगे। हाँ, शाम को जाएंगे सर तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद जी प्रेम जी, आपने बड़ा कीमती समय दिया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ऐसा बढ़िया अनुभव जी मुझे आज पहली दफ़ा हुआ है, ना मुझे ऐसा गोवा में मिला, ना मुंबई में, ना मुझे थाईलैंड में मिला, क्योंकि वहाँ पे होती गर्मी सीधी सी बात, और यहाँ पे ठंडक, बिल्कुल ठंडा है जी माहौल यहाँ पे। एक टेम्परेचर है यहाँ पे, टेम्परेचर जो है एक है तापमान आपको मिलेगा यहाँ। यहाँ पे जी हर उम्र का इंसान आ सकता है जी, बच्चा बूढ़ा जवान, क्योंकि यहाँ का जो तापमान है बहुत ही अच्छा है, एक रहता है जी पूरा 12 महीने। थोड़ा सा सर्दियों में हल्की सी 1-2 डिग्री बढ़ जाएगा, और यहाँ पे जो दिन में जो बड़ा अच्छा तापमान, मुझे तो बहुत मज़ा आया जी यहाँ पे आके। और जो होटल सी रॉक है एक बार विज़िट करें आप, बहुत ही नज़दीक है, चंडीगढ़ से 3 घंटे का रास्ता है यहाँ पे, और बहुत अच्छा ऐसे आप अपने परिवार के साथ और आप यहाँ पे आके 100% इन्जॉय करेंगे जी, ये गारंटी है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा लोकेशन मिलेगी जी आपको, एक दिन में शूट करना बड़ा मुश्किल है, और यहाँ पे सारे हर प्रकार के लोकेशन है जी, पंजाबी स्टाइल में कच्चे मिट्टी के घर बने हुए। हाँ जी शेफ साहब नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे जी, आपका शुभ नाम? जीत राम सर। आप भी यार बड़े पुराने लग रहे हो, परोठे के माहिर हो कि सारा काम, पूरा किचन आपने संभाल रखा है? मल्टी टॉप में है सर सारे जितने बर्तन। कितने साल हो गए जी इस लाइन में आपको? 33 ईयर हो गए सर। 33 ईयर। अरे बाप रे बाप। तो और शादी हो गए कितने साल हो गए? 24 ईयर। अच्छा, पहले से लगे हो परोठे बनाने में जी, फिर तो धर्मपत्नी जी खुश होंगे, घर पे आप ही बनाते होंगे? नहीं नहीं, तो हेल्प करने पड़ती है घर में काम में। अच्छा ठीक है ठीक, सारी आइटम बना लेते हैं आप जी? जी वेज नॉन वेज? हाँ वेज नॉन वेज। अच्छा जी, तो ये हमारे तैयार हो रहे जी परोठे? ये वेज परोठा है आपका मिक्स। अच्छा जी, कौन कौन से हैं जी परोठे, कौन कौन से बनते हैं यहाँ पे, कौन कौन से मिलते हैं परोठे? या तो मिक्स परोठा हो गया, पनीर परोठा हो गया। अच्छा जी ठीक है, प्याज का हो गया। और ये क्या अपना दाल कौन सी है जी? ये मिक्स दाल है सर। अच्छा मिक्स दाल है जी, दाल मखनी बोलेंगे? नहीं सर मिक्स दाल। अच्छा, मिक्स दाल है जी। ये बताते सर तंदूर में क्या क्या बनाते हो? इसमें सर चपाती वगैरह, नान वगैरह। अच्छा, और वेज नॉन वेज सारा इसमें मतलब? वाह जी वाह शानदार, किचन बड़ी नीट एंड क्लीन है जी आपकी, शानदार, मजा आ गया जी। तो हमें तो भूख लगी है जी, आप फिर फटाफट भेजे जी हमारे लिए, क्या खिला रहे हो आप हमें? वेज परौठा खिला रहे हैं सर आपके लिए। हाँ ठीक है, सुबह सुबह परौठे खाने का मन है जी, और ऐसे ठंडे मौसम में मसाला ऑमलेट भी खिला रहे हैं आपको? हाँ कोई नहीं कोई, धन्यवाद जी, शुक्रिया। देखते हैं जी अगर कोई नमक मिर्च कम हुआ, कोई कमी हुई तो मैं बता दूंगा, नाराज मत होना। बता सकता हूँ? जरूर मैडम, बता सकते हैं। ठीक है जी, ओके धन्यवाद। पहले ऑपोजिट देखेंगे, ठीक है, देन मैं एक्शन बोलता हूँ तो आप आपस में, ठीक है? विथ स्माइल एंड एक्शन। टीथ। हाँ जी सॉरी, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ जी आपको, सॉरी। मैंने पूछना है कैमरामैन साहब, आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो ये बताएं कहाँ से हैं जी? चंडीगढ़ से जी। चंडीगढ़ से, तो ये आपने रेकमेंड करी यहाँ पे इनको? जी हमें यहाँ पे क्या है कि इस लोकेशन में हमें पंजाबी, इंडो वेस्टर्न, वेस्टर्न सभी कुछ मिल जाता है यहीं पे, तो हम ज़्यादातर यही रेकमेंड करते हैं कि यहीं पे शूट हो। अच्छा, तो आपको क्या बेनिफिट है यहाँ पे? यहाँ पे जो भी मेरे को चाहिए सारी लोकेशन में एक ही जगह पे मिल जाता है। एक ही जगह, इधर उधर जाने की जरूरत, इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं, इनकी फैसिलिटी सब कुछ है यहाँ पे, रूम वगैरह सब कुछ देते हैं। और ऐसे देखते रहे टू स्ट्रीट फूड, और जल्द मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, सत श्री अकाल।